विद्यार्थियों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के प्रथम अध्याय के चतुर्थ श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में सरस्वती माँ से प्रार्थना की गई है कि हे माता, जब प्रकृति के समस्त उपादान इतने मनमोहक हैं, इतना सुहाना जो दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत है, तो आप उसको मध्य नजर रखते हुए अपनी सुंदर वीणा का वादन कर दीजिए। चतुर्थ श्लोक में जो नया दृश्य प्रस्तुत किया गया है वह इस प्रकार है। लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेदु छलेत कांत सलिलम सलिलम तवा कर्ण्य वीणाम अदिनाम नदीनाम सुम सुमम। तो यहां देखिए कि तब तुम्हारी अदीनाम अ जो नहीं है दीन दीनहीन, जो दीनहीन नहीं है इसका मतलब हुआ तेजस्वी। तब तुम्हारी अदीनाम तेजस्विनी वीणाम वीणा को आकर्ण्य सुन करके, हे माता सरस्वती, तब तुम्हारी अदीनाम तेजस्वी वीणाम वीणा को आकर्ण्य सुन करके लता नाम लताओं के नितांतम अत्यंत शांतिशीलम शांत स्वभाव के जो सुमम पुष्प हैं वो चलेत वह हिल उठे। शांत स्वभाव का जो पुष्प है और नितांतम अत्यंत शांत स्वभाव का जो पुष्प है, और किसका पुष्प है वो लता नाम लताओं का, वह चलेत हिल उठे किसके कारण, तब तुम्हारी आदिनाम ओजस्विनी वीणाम वीणा को आकर्ण्य सुन करके। आगे फिर कहा कि नदीनाम नदियों का कांत स्वच्छ सलीलम जल सलीलम सविद प्लेइंग लीला करना क्रीड़ा करना। तो यहां पर सलीलम और सलीलम, यहां आप देखिए दोनों शब्द समान लग रहे हैं परंतु इसमें लघु मात्रा है लय पर, इसमें दीर्घ मात्रा है। ये सलीलम ये पानी के लिए और ये सलीलम क्रीड़ा पूर्वक उच्छलेत, यहां चलेत है यहां उच्छलेत है, ये संधि से ता का द बन गया, यहां पर व्यंजन संधि बनी है। तो संधियों के पार्ट में आपको अलग से फिर समझाएंगे। यहां पर है कि नदीनाम नदियों का सलीलम जो जल है वह सलीलम क्रीड़ा पूर्वक उच्छलेत उछल पड़े। दो दृश्य यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। अन्य श्लोकों की भांति यहां पर भी दो दृश्य हैं। देखिए पहला जो दृश्य प्रस्तुत किया कि तब तुम्हारी अदीनाम वीणाम ओजस्विनी वीणा को आकर्ण्य सुनकर के लता नाम, ये लताएं हैं, इन लता नाम लताओं के नितांतम अत्यंत और शांतिशीलम शांत स्वभाव के सुमम जो पुष्प हैं वह क्या कर बैठे, हिलें हिल उठे, वह चलेत हिल उठे। ये जो मानिए आप पुष्प हैं ये लताओं के, और ये कैसे हैं, शांत स्वभाव के हैं, ये जो हैं जैसे ही आप वीणा बजाओ ये हिल उठे हिल उठे। यह पहला दृश्य। दूसरा दृश्य कांत सलिलम, यह पवित्र जल का सीन है कि ये नदी है और इसका यह कांत स्वच्छ या पवित्र जल है। यह कैसा जल है, यह सलिलम, एक तो ये सलीलम इसका अर्थ हुआ जल, दूसरा ये सलीलम क्रीड़ा पूर्वक, ये सलीलम जल ये सलीलम क्रीड़ा पूर्वक क्या करे, उछलेत उछल पड़े। जल जो है वो जैसे ही वीणा की झंकार सुनाई दे वो इस तरह से जो है हिलोरे मार करके उछल पड़े। तो प्रिय विद्यार्थियों एक बार और देख लीजिए कि तब तुम्हारी अदीनाम तेजस्विनी वीणाम वीणा को आकर्ण्य सुनकर के लता नाम लताओं के नितांतम अत्यंत शांतिशीलम शांत स्वभाव वाले सुमम पुष्प जो हैं वह चलेत उछल उठें हिल उठें, और नदीनाम नदियों का कांत सलीलम जो पवित्र जल है वह सलीलम क्रीड़ा पूर्वक उछलेत उछल पड़े। तो आपको इसका संकेत लिखना है।
लता नाम और सुमम, और फिर आपको प्रसंग में आप पूर्ववत कर देंगे और संदर्भ में आप कर देंगे। कवि सरस्वती माँ से प्रार्थना करता है कि ऐसी ओजस्विनी वीणा को बजाओ जिससे शांत सुमन पुष्प व नदियों का स्वच्छ जल उछल पड़े। भावार्थ में लिख दो कि कवि का कहने का भाव यह है कि सरस्वती की ओजस्विनी वीणा को सुनकर के शांत स्वभाव वाले मनुष्यों में ओज का संचार हो, वे स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील बने। कहीं न कहीं कवि यह भी प्रार्थना करता है कि हे माँ सरस्वती, आपकी वीणा का संचार जो है उन रगों में हो जिसमें वो खून है जो आजादी के लिए गरमाई को पकड़ बैठे, गर्म हो उठे। क्योंकि एक कवि ने कहा था कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो कतरा आंख से न टपका तो फिर वो लहू क्या है। ये सभी कवि हमारे स्वतंत्रता के समय जो है इस भारतीय समाज में क्रांति लाने के लिए प्रयत्नबद्ध थे। वो चाहे रामधारी सिंह दिनकर हो, चाहे माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता पुष्प की अभिलाषा कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर नाय अनेक। तो इसी तरह का यह भारतीय वसंत गीति भी एक है कि हमारे भारतीय युवाओं में माता सरस्वती से प्रार्थना करता है कि इनके पौरुष को जगा दें ताकि ये स्वाधीनता के लिए तैयार हो जाएं और हमारे भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति सहर्ष जो है ये देने को तैयार रहें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके प्रथम अध्याय के 4 श्लोक पूर्ण हुए। इनको आप एक एक बार पढ़ेंगे, दो दो बार सुनेंगे, देखेंगे, होमवर्क करेंगे तो आप इनमें 100% अंक लाने में सक्षम होंगे।